हेलो एवरीवन, तो देखो यार फाइनली एनटीए के द्वारा जेई मेन 2021 का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो अपलोड कर दिया गया है। तो इस जेई मेन 2021 में कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं जिसके बारे में आज हम इस शॉर्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। और एक बहुत बड़ी कमी भी है जो मुझे लगता है शेयर जरूर करना चाहिए, तो वो मैं वीडियो के लास्ट में एंड में जरूर शेयर करूंगा। सबसे पहली बात यार, जो मेजर चेंजेस किए गए हैं उसमें सबसे बड़ा चेंजेस है, इस बार आपके पास जेई मेन 2021 में दो नहीं चार अटेम्प्ट होंगे। बहुत ही अच्छा न्यूज है यार, स्टूडेंट के फेवर में है बिल्कुल, क्योंकि आपका यदि मान लीजिए एक अटेम्प्ट में मार्क्स कम आता है, स्कोर कम आता है, तो आपके पास तीन और अटेम्प्ट होंगे। ठीक है, अलग बात है यार, आपको तीन सभी अटेम्प्ट के लिए फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन यार अच्छा है कि आपके पास मौका होगा। ठीक, और जो डेट है वो भी अनाउंस कर दिया गया है कि जेई मेन का जो एग्जाम है वो किस किस डेट को होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो चार अटेम्प्ट आपको मिल रहे हैं। पहला अटेम्प्ट जो है वो 23 फरवरी से 26 फरवरी के बीच होने वाला, सेकंड अटेम्प्ट मार्च में मिलेगा, थर्ड अप्रैल, फोर्थ मई में। किस किस डेट को एग्जाम होने वाला है आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो सेशन 1, 2, 3, 4। फर्स्ट सेशन जो है वो 23, 24, 25, 26 फरवरी को होने वाला है, 15, 16, 17, 18, 27 ये होने वाला। आप लोग इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके देख लेना। और यहाँ पे जो दो शिफ्ट में एग्जाम, देखो यार अगेन जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक, और जो स्लॉट रखा गया जो शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट 9 AM to 12 PM और सेकंड शिफ्ट जो है वो 3 PM to 6 PM है। तो एक चीज यहाँ पे आपके लिए जरूरी हो जाता है कि जो भी आज के बाद से आप जो टेस्ट दे रहे हो या जो आपका हैबिट है वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका कौन से शिफ्ट में एग्जाम पढ़ने वाला है, कौन से डे और कौन से शिफ्ट में पढ़ने वाला है आपको नहीं पता है। तो हो सकता है कि यार आपको 3 से 6 के बीच सोने का आदत हो, तो इसलिए अब आपको उस आदत को छोड़ना पड़ेगा। पता चला आप एग्जाम देने गए और वहां मस्त सो रहे हो भाई, बीच बीच में नींद आ जा रहा है, खर्राटे मार रहे हो, तो इसलिए जरूरी है कि आप यदि इस टाइम में, यदि 9 to 12 और 3 to 6 में यदि आपको आदत नहीं है पढ़ने की, तो आप आदत डाल लो। और ज़्यादा यार कोशिश करना कि जो भी आप टेस्ट दे रहे हो तो वो टेस्ट भी आप इसी ड्यूरेशन में दो, तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलो 9 से 12 में तो यार हैबिट रहता ही है, लेकिन 3 से 6 वाला जो है बहुत कम बच्चों का हैबिट रहता है पढ़ने का या टेस्ट देने का, तो इसलिए वहाँ हैबिट जरूर डाल लेना, क्योंकि हो सकता है यार आपका इस शिफ्ट में पड़ जाए तो फिर प्रॉब्लम में पड़ जाओगे भाई, फिर बोलोगे यार ये तो गलत बात मेरे साथ गलत हो चुका। ठीक, तो इसलिए अपने आपको अभी से रेडी करना स्टार्ट कर दो। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट जो चेंजेस किया गया है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा चेंजेस किया गया है, वो ये कि अब आपको इस ईयर हर सब्जेक्ट में 30-30-30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेकिन इस पर चेंजेस जो किया गया ना वो ये कि आपको 75 क्वेश्चंस की जगह पे क्वेश्चन पेपर में आपको 90 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मतलब आपको 30 क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स, 30 क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री, 30 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ्स देखने को मिलेंगे, लेकिन 30 में से आपको केवल करना है 25। ठीक है, 25 फ्रॉम फिजिक्स, 25 फ्रॉम केमिस्ट्री, 25 फ्रॉम मैथ्स। जो 5 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का है ना वो आपको छोड़ देना है, मतलब वो आपके लिए ऑप्शनल रहेगा। क्यों यार ऐसा, अगेन कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए किया गया और सभी जो बोर्ड्स है उसका सिलेबस कुछ कट हुआ है, रिड्यूस हुआ है सिलेबस, तो इसलिए उसको कंपेंसेट करने के लिए ये जो ऑप्शन दिया जा रहा है इसको दिया गया। तो ये आपके लिए एक अच्छा मतलब कि न्यूज़ है कि अब आपके पास क्या होगा। देख लो यार यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, हाँ जो क्वेश्चंस होगा वो दो सेक्शन में होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो होता है वो स्टेट ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें से आपको 4 ऑप्शन रहेंगे और 4 में से कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी 3 गलत होगा। और सेक्शन बी जो है वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होता है, जिसका आंसर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप, तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना है केवल 5 ही। ठीक, तो ये ध्यान रखना यार, 10 क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना है 5 ही, तो 25 मैथ्स में 20 प्लस यहाँ से 5 ही अटेम्प्ट करना है, 25 यहाँ से भी, 25 यहाँ से भी, 25 टोटल 90 जरूर दिख रहे हैं, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना ओनली 75 और टोटल मार्क्स जो है आपको 300 दिख जाएगा। ठीक, क्वेश्चन का जो मार्किंग स्कीम है वो एज इट इज रहने वाला, +4 सही के लिए, -1 नेगेटिव के लिए और नो अटेम्प्ट के लिए 0 मार्क्स। ठीक, तो ये था। अब इसके बाद यदि मैं और कोई बड़ा चेंज, हाँ कोई बड़ा चेंजेस नहीं है, हाँ लेकिन एक चीज जो मुझे खराब लगा वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर है। लास्ट ईयर 2021 में जहाँ बच्चे का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था वहाँ पे 75% का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हटा दिया गया था। इस बार यार ज़्यादा जरूरी था कि वो 75% क्राइटेरिया को नहीं रखा जाए, लेकिन इस बार
एंड टीएनए ये क्लियरली मेंशन कर दिया कि ट्वेल्थ बोर्ड में या जो भी क्वालिफाइंग एग्जाम है उसमें आपका 75% मार्क्स होना जरूरी है। यार पूरे पैंडेमिक में ऑनलाइन क्लास चला है और सही मायने में कहूँ तो ऑनलाइन क्लास पूरे इंडिया में 10 या हार्डली 20% बच्चे अच्छे से अटेंड किए होंगे, बाकी 80-90% बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लास सही तरीके से अटेंड नहीं किए हैं। ठीक है, यहाँ मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन, बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे भी हैं जिनके पास मोबाइल भी नहीं है अपना, तो ऐसे में वो कैसे पढ़ाई करेंगे। तो एक तरह से देखा था जो जाए तो जे मेन 2021 पूरी तरह से एक फेयर कॉम्पिटिशन नहीं होने जा रहा है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, बाय द वे चलो जो भी है फाइट तो करना है यार आपको, इसलिए आप लग जाओ। हाँ, ये जे मेन 2021 का जो 75% वाला कंडीशन है ना वो यार हटा देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे लास्ट ईयर ड्रॉप भी लिए थे, प्लस बहुत सारे बच्चे इस ईयर भी डिमांड कर रहे थे कि ये जो 75% का जो क्राइटेरिया है यार हटा देना चाहिए इस पैंडेमिक को ध्यान। ये आपने यार लास्ट ईयर तो हटा दिया और जब आपको जरूरत है हटाने का वहाँ आप हटा ही नहीं, यार ये क्या मतलब है। चलो यार देखो क्या आगे कुछ करा तो नहीं जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है चेंजेस थे जेईई मेन 2021 को लेकर जो मैंने यहाँ इस शॉर्ट वीडियो